टॉरस, वेलकम टू द रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। Two of Swords, Three of Stars, Ten of Stars, Justice, फोर ऑफ स्टार्स। तो हमारे पास फोर ऑफ स्टार्स है। फोर ऑफ स्टार्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ प्लान कर रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। थ्री ऑफ स्टार्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत पेनफुल सेपरेशन से गुजरे हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ऐसे रिलेशनशिप पे गिव अप करना पड़ा हो जो बहुत यू नो लॉन्ग था, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप और कनेक्टेड फील कर रहे थे आप इस पर्सन से, पर यू नो किसी वजह से आपको सेपरेट होना पड़ा। और अब ये थ्री ऑफ सोर्स ऐसा लगता है कि परमानेंट है, कभी निकल नहीं सकते आपके हार्ट से। यानी सिंबॉलिकली ये एक तरीके से एक ऐसे पेन को दर्शा रहा है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको ऐसा फील हो सकता है इस पॉइंट पे, पर सच ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। और इस रीडिंग में एक और एडिशन है, ये जस्टिस का कार्ड, ये बहुत मायने रखता है। आपके पर्सन को ये अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, और आपको कमिटमेंट नहीं देके उन्होंने एक तरीके से आपका बहुत कीमती वक्त बर्बाद किया है। आपके जीवन पे इसका असर हमेशा रहेगा। और यू नो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को कहीं से इनका कार्मिक लेसन मिल रहा है, और ये पर्सन अब रियलाइज कर पा रहा है कि इन्होंने क्या किया है। फोर ऑफ स्टार के साथ हो सकता है दूसरे लोग इन्हें ये भी बता रहे हों कि इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, या इन्हें इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था, या कह सकते हैं कि इन्हें इतने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को गुड बाय नहीं कहना चाहिए था। ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये पर्सन दूसरों को देख रहा है और समझ रहा है कि वो कितने लकी थे कि आप उनके पास थे और उनके पास एक ऐसा रिलेशनशिप था एंड एक ट्रस्टी पार्टनर था। पर अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें वापस आने की जरूरत है, और उन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन इन दिनों काफी दुखी है, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें मूव ऑन करना आसान लग रहा था। इन्हें ऐसा लगता था कि ये आपको कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, या यू नो अगर मूव ऑन करना चाहें तो क्यों नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो उन्हें भी मिल ही जाएगा। पर उन्हें पता है कि कोई भी आप नहीं हो सकता, और आपकी एक अपनी जगह है। इस पर्सन को इस बात पर गिल्टी फील हो रहा है कि
इन्होंने कभी भी आपको वो वर्थ नहीं दिया जिसके आप हकदार थे, और अब टू ऑफ स्टार्स के साथ उन्हें नहीं पता कि वो वापस आपके लाइफ में कैसे आए। वो पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है जो आपके लाइफ में था, और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है कि दोबारा से कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट की जाए, क्योंकि थ्री ऑफ स्टार्स के साथ शायद ये एक ऐसा पर्सन हो जिसने आपको कह दिया हो कि ये अब कभी वर्क नहीं कर सकता, वो आपको अब कभी कॉल नहीं करेंगे या कभी दोबारा अप्रोच नहीं करेंगे, वो जा रहे हैं हमेशा के लिए। इस तरह की बातें हो सकता है इन्होंने कही हो, और अभी ने नहीं पता कि वो अपने शब्द कैसे वापस लें, कैसे चीज़ों को ठीक करें या फिर आपको अप्रोच करें। ये एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ कप्स, six of stars, the sun, and eight of cups. तो यहाँ पे द सन के कार्ड के साथ फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि चीजें बदल रही हैं। हैंग्ड मैन के साथ इस पर्सन का विजडम वापस आ रहा है, ये पर्सन चीजों को समझ पा रहा है। अब ये उन लोगों में से नहीं रहे जो बस बिना सोचे समझे कुछ भी कह दें और फिर बाद में उन्हें पता चले कि वो कितने गलत थे। द हैंग्ड मैन के साथ ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि उन्हें कुछ करना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में, और सिक्स ऑफ स्टार के साथ हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इसी वीक में किसी तरीके का मैसेज आए, या ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करें या किसी और तरीके से दोबारा बात शुरू करना चाहें। और सबसे बड़ी बात कि ये डिस्कस करने को तैयार होंगे वो इश्यूज जो आपके बीच में प्रॉब्लम बन रहे थे। इससे पहले शायद ये पर्सन इन इश्यूज से भाग रहा था और शायद वो ये सोच रहे थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर अब वो चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, इस पर वर्क करना चाहते हैं। और द सन के साथ आप लकी फील करेंगे, आपको फाइनली लगेगा कि इस पर्सन को समझ में आ गया कि इस रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है। एट ऑफ कप्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके बीच में, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट आप ये पर्सन ये समझ गया है कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं, और आपके बिना उनकी लाइफ चल तो सकती है मगर उसमें खुशियां नहीं होंगी, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ तो करेगा इस पूरी सिचुएशन को लेके। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Retreat, rest, be held. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब तक ये पर्सन अपने लेसन को सीखता नहीं या अपने लाइफ का प्लान नहीं बनाता आगे का,
आप शांत रहिए, आई मीन आपको किसी चीज में इंटरफेयर या चेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। बस यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। अब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, हायर पावर्स देख रही हैं और वही इसका सोल्यूशन निकालेंगी। तो ये है रीडिंग अगस्त के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।